हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा फैशन हॉलिक। तो आज हम सीखेंगे ये बीडेड स्लीव्स डिज़ाइन, जिसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों मैंने बताई है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल हो और आपको समझ आए तो मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर, और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ये स्लीव्स बनाने के लिए हमें करीबन 1/2 मीटर कपड़े की ज़रूरत है और मैंने नेट फैब्रिक का यूज़ किया है। अब हमें इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है, अपने फैब्रिक को ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे अच्छे से हम इसको, एक जैसा बिल्कुल, कोई श्रिंक ना रहे, ताकि बीच में हमें इसको ऐसे डबल फोल्ड करना है। एंड देन एक और फोल्ड करना है, क्योंकि हम दोनों स्लीव्स एक साथ काटेंगे। हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया है। अब ये देखिए, ये खुला वाला हिस्सा हमारा इस तरफ है और बंद वाला हिस्सा मैंने अपनी साइड रखा है। अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, क्योंकि ये बीच से हमारी कटिंग की जाएगी बाजू, तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच पर निशान लगाऊंगी। बंद वाली साइड हमें ये निशान लगानी है, ये देखिए 1/2 इंच हम इसलिए एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि हम इसमें पट्टी लगाकर मोड़ेंगे इसे अंदर की ओर, इसलिए। और अब हमें इन निशानों को ऐसे मिला देना है, जो 1/2 इंच के हमने निशान लगाए हैं उसको हमें ऐसे मिला देना है। मैं इसे थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। ये देखिए, हमने 1/2 इंच पर निशान लगाकर ऐसे मार्क कर दिया है। अब हमारी स्लीव्स की लंबाई जो है वह है 19, बट मैं यहाँ पर 21 ले रही हूँ, 2 इंच हमने मार्जिन के लिए प्लस किया है। अब 21 पर ही हम यहाँ पर भी निशान लगा देंगे और इन दोनों निशानों को हमें आपस में ऐसे मिला देना है। अब जो खुला वाला साइड है वहाँ से हम हमेशा 3 इंच अपनी बाजू को डाउन रखते हैं। ये देखिए, जो खुला वाला हिस्सा है यहाँ से हम 3 इंच डाउन रखेंगे, यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को हमें ऐसे मिला देना है। ये देखिए, हमने निशान को मिला दिया। अब हम आरमोल की चौड़ाई लगाएंगे, तो जो हमारी आरमोल की चौड़ाई है वो है हमारी 8 इंच। आरमोल है हमारा 8 इंच का और ये 1 इंच हम मार्जिन का प्लस करेंगे। अब हम इन दोनों के बीच मिडल पॉइंट पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये पूरा 10 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 5 पर निशान लगाऊंगी और यहाँ से हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। और अब हम इसको गोलाई दे देंगे ऐसे, क्योंकि जो हमारा आर्मोल होता है वो गोल शेप में ही होता है, हमें इसको ऐसे गोलाई दे देनी है। अब हम बॉटम पर निशान लगाएंगे, तो जो हमारी बॉटम की चौड़ाई है वो है 5.5, बट मैं यहाँ पर 7 पर निशान लगा रही हूँ और 1/2 इंच हमने वो छोड़ रखा है। उसके बाद मैं 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ी आगे से ओपन चाहिए, ज़्यादा ओपन चाहिए इसलिए। और ये 1 इंच मैंने मार्जिन का प्लस किया है। अब मेन निशान को मेन निशान से, फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से और मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान से मिला देंगे। देखिए ऐसे, और अब ये हम मार्जिन का निशान लगा रहे हैं। हमारी स्लीव्स इतनी रहेगी और ये दो, अब हम इन दोनों मार्जिन वाले निशानों को आपस में मिला देंगे। ये हमारी स्लीव्स की लेंथ है और ये हमारा मार्जिन का निशान है। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं वैसे ही वैसे हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारे स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर एक कट लगा लेंगे, नोचेज लगा लेंगे, ताकि हमें मिडिल पॉइंट मिल सके। अब जो हमारी स्लीव्स होती है उसका जो फ्रंट साइड होता है वो गहरा होता है बैक साइड से, तो अब हम उसी की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमें सिर्फ 2 कपड़े उठाकर इसी निशान पर कटिंग करनी है। ध्यान रहे कि आपको चारों कपड़े नहीं काटने हैं, चारों तय नहीं काटनी है, सिर्फ 2 कपड़े उठा के आपको
इसकी कटिंग करनी है। ये हमारी स्लीव्स का फ्रंट साइड होगा। हमारी स्लीव्स का फ्रंट साइड हमेशा बैक साइड से थोड़ा गहरा होता है। तो ये मैंने अब इसकी कटिंग कर दी है और मैं इसे आपको खोल के दिखाती हूँ। ये कुछ ऐसी दिखेगी, देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। और अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। ये हमारी स्लीव्स हैं जिसको हमें बीच से कट करना है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। ये हमारी स्लीव्स हैं और अब हम इसको बीच से कटिंग कर देंगे। ये हमने इसको कट कर लिया है। दोनों स्लीव्स को हम ऐसे ही कट कर लेंगे बीच से। ये देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा कटिंग करने के बाद। अब हमें यहाँ पर किनारी पर इसको हेमिंग करनी है, तो मैं यहाँ पर पट्टी लगाकर इसको सिलूंगी। ये हमारी स्लीव्स का बॉटम है और बॉटम को भी हमें हेमिंग करना है। ये नेट है, अगर मैं इसको ऐसे ही हेमिंग करती तो ये बहुत बेकार भद्दा सा लगता देखने में, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर की फैब्रिक की 1.5 इंच की पट्टी ली है जिसको हम इसके नीचे ऐसे रख कर इस पर सिलाई लगाएंगे। ये हमारी स्लीव्स का बॉटम है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी है हम उसको कट कर देंगे और इसको हमें ऐसे पीछे की ओर मोड़ देना है। देखिए इसको हमें ऐसे पीछे की ओर मोड़ देना है और अब इसकी किनारी पर हम बिल्कुल किनारी पर हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई आपकी बहुत ही फिनिशिंग के साथ और छोटी होनी चाहिए क्योंकि ये सिलाई हमारी ऊपर रहेगी। अगर ये अच्छी नहीं होगी तो बिल्कुल भी फिर फिनिशिंग नहीं आएगी और देखने में बहुत भद्दा सा लगेगा। ये देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब हमें इसको एक फोल्ड और करना है। इसको हम ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो इस पर पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं और हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। हमें इसको ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखिए हम इस पर ऐसे सिलाई लगा देंगे। ये हमारी स्लीव्स का बॉटम तैयार हो चुका है। जैसे हमें इसको फिनिशिंग देनी थी हमने इसको दे दी है, देखिए। और ये कितना साफ़ सुथरा और फिनिशिंग के साथ आया है। अब जहाँ से हमने कटिंग की थी बीच से, वहाँ पर भी हम ऐसे ही इसको फिनिशिंग दे देंगे। यहाँ पर पट्टी लगा के हमें इसको मोड़ना है और इसको हेमिंग करना है सेम वैसे ही जैसे हमने बॉटम को किया है। तो ये मैंने एक और 1.5 इंच की पट्टी ली है और वैसे ही इसको, बट हमें यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि हमें नीचे से इसको फिनिशिंग देनी है। और इसको ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। फिर जब हम इसे पलटेंगे तो यहाँ पर हमारी फिनिशिंग आ जाएगी। और अब हमें इस पर ऐसे सिलाई लगाते जाना है। एक्स्ट्रा फैब जो पट्टी है हम उसको कट कर देंगे और सेम इसको भी हम वैसे ही पलटेंगे ऐसे। और यहाँ पर किनारे पर हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। सिलाई ध्यान रहे आपकी बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आनी चाहिए क्योंकि ये हमारी ऊपर ऊपर की साइड ही रहेगी, ये सिलाई दिखेगी इस वजह से। अब देखिए इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था। ये देखिए ये कुछ ऐसे आएगा और फिर ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा हमारा। अभी हम इसको ऐसे फोल्ड कर कर इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे पूरा। अब हम जैसे हमने बॉटम में किया था इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है, वैसे ही हम इस पर भी सिलाई लगा देंगे वैसे ही। सिलाई
सिलाई लगाते वक्त ध्यान रहे कि कोई भी श्रिंक वगैरह ना पड़े, झोल वगैरह ना पड़े। ये देखिए, ये हमारी स्लीव्स का एक साइड हमने रेडी कर लिया है। ये इसका बॉटम, और ये जो हमारा बीच वाला हिस्सा जो ओपन रहेगा ये वो है। ये हमारी स्लीव्स का एक साइड है। अब जो इसका दूसरा साइड है वो मैं आपको दिखा देती हूँ पहले। ये देखिए, इसे हमने रेडी कर लिया है। अब इसी तरह हम जैसे हमने इस वाले पार्ट को रेडी किया है, इसको भी हम ऐसे ही रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, हमने अपनी स्लीव्स के दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है, और अब हम इसको ऊपर से ऐसे मिलाएंगे। अब ऊपर से हमारी जो एल्बो है, कोहनी, वहाँ तक मेरी जो कोहनी आ रही है वो आ रही है 10.5 पर। तो हम यहाँ पर 10.5 पर निशान लगाएंगे, क्योंकि मुझे वहीं तक इसको बंद करना है और बाकी खुली रहने देनी है अपनी स्लीव्स। तो 10.5 पर मैं यहाँ पर निशान लगाकर ये 1-1 इंच पर यहाँ पर निशान लगाऊंगी, जहाँ पर मेरे को मोती बीड लगानी है। बीड्स जो हमें लगानी है वो मैं 1-1 इंच की दूरी पर लगाऊंगी। हम निशान इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो हमारी बीड्स हैं वो इक्वल दूरी पर आएँ। इस वजह से अब इस साइड मैंने निशान लगा लिए हैं, और अब इस साइड भी मैं ऐसे ही निशान लगा लूँगी। तो देखिए, हमने दोनों जो हमारे स्लीव्स के पार्ट थे उन दोनों पर हमने निशान लगा लिया है। अब मैं इस बड़ी वाली बीड्स का यूज़ कर रही हूँ। अब एक निडल में हमने धागा डाल लिया है, और उसको हमें इस निशान पर ऐसे पक्का कर लेना है। देखिए, और अब ये एक मोती डालनी है हमें उसमें, और जो हमारा दूसरी साइड वाला निशान है उसमें हमें इसको ऐसे पिरो लेना है। अब थोड़ी सी गैपिंग छोड़कर, ताकि ये हमारा पक्का हो जाए अच्छे से, थोड़ी सी गैपिंग छोड़कर हम दोबारा उसी में इसको पिरो लेंगे, उसी मोती में, और उस साइड निकाल लेंगे। ऐसे ही हम अब हम इस साइड इसको पक्का कर देंगे, और एक बार और दोबारा मोती में अपनी सुई पिरोते हुए यहाँ पर भी इस साइड भी हम पक्का कर देंगे। ये देखिए, कितनी फिनिशिंग के साथ और बिल्कुल मजबूती से ये अटैच हुआ है। और अब दूसरे निशान पर हमें ऐसे ही सुई निकाल लेनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर पक्का कर देंगे ताकि हमारा धागा खिंचे ना। अगर हम पक्का नहीं करेंगे तो वो खिंच जाएगा। वैसे ही हमें मोती लेनी है और दूसरी साइड सुई निकाल लेनी है। देखिए, ऐसे अगेन हमें इसके अंदर इसको पिरोना है दोबारा, और दूसरी साइड हमें इसको निकाल लेना है। एक बार और हम इसको निकालेंगे, और अब हम यहाँ पर पक्का कर देंगे, और अब दूसरी साइड निकाल कर भी हम वहाँ पर पक्का कर लेंगे। ये देखिए, अब इसी तरह से हमें इन सारे निशानों पर ये बीड्स अटैच कर देनी है। ये देखिए, हमने सारी बीड्स अटैच कर ली हैं, और ये कुछ ऐसे दिखेगी। देखिए, कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी बाजू रेडी हुई है। जो स्लीव्स है, ये ओपन वाला साइड है हमारा, और ये हमने बीड्स जो अटैच की हैं ये वो वाला साइड है। अब हम इसको अपनी कुर्ती पर अटैच कर लेंगे, और ये हमारा फिनिश लुक। ये है हमारा फिनिश लुक। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।